हेलो। रिकॉर्डिंग चल रही ऑनलाइन यार। तू भी प्लीज मैं तो ना कर रही ऐसा मत करे। मैं क्या कर रही हूँ? गाना आ जाएगा तेरा। मैं कुछ कह रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर दी मैं है अपनी वीडियो को बनानी, मैं तुम्हारी क्यों बनाऊंगी? ले। अजू मैं क्यों है, तुम्हारी ऐसी हरकत है, मैं वीडियो में क्यों डालूंगी? जिंदगी एक एहसास उजाले है, में जाओ, बहुत काले आ रहे हो। टूटे दिल की कोई आस है। इसमें रिकॉर्डिंग करूंगा, इसमें 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 बनी है। रुकिए, बंद कर ले इसे, क्यों कर दे इसे, बंद कर कर दे प्लीज। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? तो आज है 11 फरवरी। कल मेरा कोई भी वीडियो नहीं बना था, तो इसीलिए मेरा आज कोई भी वीडियो नहीं गया है। क्योंकि पता है क्या हुआ है कि कल जो है मैं फेशियल करवाने लगी, फिर पहले ब्लीच हुई, फिर फेशियल हुई, फिर मैंने हाथों की वैक्सीन करवाई। उस चक्कर में मुझे इतना टाइम निकल गया कि मेरा जो है कुछ भी नहीं हुआ, मतलब व्लॉग बनाने के लिए बनाया ही नहीं। फिर मैंने फिर ऐसे ही पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया। फिर मैं मार्केट चली गई थी अपना कुछ और सामान लेने के लिए। पूरा दिन मेरा बहुत बिजी रहा था, तो व्लॉग बनाने का मुझे ऐसा टाइम नहीं मिला। क्योंकि हड़बड़ी बड़बड़ी वाला काम रहता है ना, तो उसमें हो जाता है कभी कभी। तो अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, तो मुझे लगा कि अपना व्लॉग कंटिन्यू कर देना चाहिए। और जो मेरी ड्रेस है जो मैं शादी में पहनूंगी, वो ब्लैक कलर की है। तो मैंने ये ब्लैक फेक नेल्स लगा रखे हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, है ना। मैं अब बढ़ाने वाली हूँ अपने नेल्स, क्योंकि हाथ बहुत प्यारे लगते हैं नेल्स बढ़ने के बाद, है ना। देखो तो मैंने आज ही लगा के देख लिया, मुझे ना चैन नहीं आ रहा था कि मुझे देखने हैं देखने हैं। मैंने आज तक कभी ब्लैक नेल पेंट नहीं लगाई है। सब्जी बेचने वाला आ रहा है, ये चुप हो जाए तो मैं बोलूं, चुप हो जा। हाँ, तो मुझे ब्लैक नेल पेंट्स मैंने आज तक नहीं लगाई है। तो मुझे ये लगाने के बाद ना बड़ी अच्छी सी लग रही है, और मेरी स्किन काफी अच्छी सी लग रही है। इस टाइम तो काफी अच्छी लग रही है। मैं ब्लीच फेशियल ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जब मैं यूज करती हूँ। तो अभी जो है किचन की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि मम्मी बनाने वाली हैं सागर के लिए साई टोस्ट। उसे साई टोस्ट बहुत पसंद है, मतलब बोलते नहीं होते थोड़े पसंद, उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। स्पेशली उसने फोन करके बोला है कि मेरे लिए ना साई टोस्ट लेके आना, और क्योंकि हम उसके रूम पे जाएंगे कल को, तो वहां पे जो है उसका बहुत सारा सामान है। पता नहीं क्या क्या है, सिलेंडर है गैस का, और भी मम्मी ने पता नहीं बड़े सारे तामझाम जोड़ रखे हैं। होता ही है कि भाई बेटा बाहर रहता है, तो इसी वजह से बहुत सारा सामान जोड़ रखा है। खाने पीने के लिए उसके जो है, वैसे तो वो भारी खाता है खाना, उसका जो टिफन, मतलब टिफन वाले नहीं होते, वो वहां पे देके चले जाते हैं। लेकिन छोटा पोटा थोड़ा बहुत सामान हो, चाय वाय, तो वो खुद बना लेता है। तो उसे जो सुबह से गैस चाहिए, उसका सिलेंडर खत्म हो गया है, और एक उसे साइटोस बहुत पसंद है, तो वो बनाने वाली है मम्मी। उसके लिए उसे लेके जाएंगे, उसे मैं बता नहीं सकती कितने ज्यादा पसंद है। पसंद तो मुझे भी है, लेकिन मैं थोड़ा मीठा अवॉइड कर रही हूँ इस टाइम पे। आप लोग को तो पता ही, कुछ दिन पहले मेरी कितनी इज्जत मिली थी मुझे मार्केट में उसी वजह से थोड़ा सा मीठा मैंने कम कर दिया। सिर्फ मैं चाय ही पी रही हूँ, वो भी सुबह शाम दोनों टाइम की बस। और मुझे मेरे हाथ करना है ऐसे, मुझे पता है क्या बोलते हैं सब लोग, बोलते हैं अंशु तुम खुद तो बोलती बोलती हो, तुम्हारा हाथ उससे ज्यादा हिल जाता है ऐसे कर करके मुझे पता नहीं क्यों हाल थिरा के बात करने देते। और आज तो मेरी निगाहें सिर्फ मेरे नाखूनों पे ही टिक रही हैं। तो कल का व्लॉग जरूर देखना, कल शादी का वीडियो आने वाला है, क्योंकि हम शादी पे जाएंगे। जब तक ये वीडियो अब तक पहुंचेगी शायद, तो हम शादी में से होके भी आ जाएं। तो चलो चलते हैं किचन की तरफ, और मैं जो है उसके बाद जाऊंगी गांव में। मम्मी की जो है जो फिट साड़ी की फिटिंग ब्लाउज था वो लेके आना है, क्योंकि वही होता है टाइम टू टाइम ही वो मिलता है, तो वो देख लेगी एक बार, पहन के देख लेंगी उसे। तो हम लोग जो है किचन में आ गए हैं। तो जो साइटोस बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले चाशनी चढ़ानी होती है। तो ये जो है 1 किलो चीनी है, ये डिब्बा जो है 1 किलो का है, तो नाप के ही मम्मी ने रखा हुआ था। ये 1 किलो चीनी में सिर्फ 1 लुटिया ही पानी डालेंगी, जो छोटी लुटिया नहीं होती सिर्फ वो ही पानी डालेंगी। उसके बाद इसे चढ़ा देंगी गैस पे, और दूसरी तरफ क्या करेंगी, दूसरी तरफ जो है दूध चढ़ा देंगी हल्का सा, और तो उसमें थोड़ा खोया डाल देंगी। क्योंकि दूध इसलिए चढ़ाएंगी ना, जब आप साइटोस को डालते हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए, खाली मावा मावा ना अच्छे से मिक्स
मिक्स नहीं हो पाता। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि मावा किसे बोलते हैं और खोया किसे बोलते हैं, दोनों एक ही चीज होती हैं, बस नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं अभी बता देती हूँ, मावा जो है उसे खोए को बोलते हैं, हमारे यहाँ पे जो है उसे मावा बोलते हैं, शायद आप लोगों के यहाँ पे उसे खोया बोलते होंगे। तो ये जो है आधी किलो के आसपास दूध था, उसमें जो है मावा जो है ये बाजार का ही है, घर का नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अच्छा खासा मावा मिलता है, तो इसी वजह से बाजार से ही ले लिया था। ये मावा पाव भर है, शायद पाव भर मावे को इसमें अच्छे से मिला देंगे, जिससे जो है दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए, जब हम अपने सोप्रा सोपेन डालेंगे तो ये अच्छे से थिक थिक लेयर में उस पर आ जाए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो हमारे सोप्रस होते हैं ना, उन्हें वो फ्राई कर लेते हैं, लेकिन हम लोग फ्राई नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता हैवी हो जाता है वो फिर बहुत ज़्यादा, और वो सेम टेस्ट सेम ही आता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है, तो हम वो नहीं करते, हम उन्हें फ्राई नहीं करते हैं सोप्रस को, हम सीधा ये सब चीज़ें मावा और ये चाशनी उसमें डाल देते हैं। तो चाशनी जो है आपको ज्यादा नहीं बनानी, सिर्फ एक तार की ही बनानी है। दूसरी तरफ जो है मैंने जो एक बड़ा बर्तन होता है उसमें जो है मम्मी एक एक पैकेट सोप्रस का ले रही थी और उस पर डाल रही थी, तो मम्मी जो है मिला रही थी और मैं जो है एक एक चम्मच डाल रही थी, तो मैंने जो है 2-3 चमचे चाशनी के डाले थे, फिर इसके डाले थे, काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। फिर से बता देती हूँ, बहुत जल्दी वाली रेसिपी, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 15-20 मिनट में ही आपकी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी मैं आप को दिखाती हूँ कि पास से ये कैसी लग रही है देखने में। यहाँ पे जो कहते हैं ना, अब मैं पीछे पड़ गई हूँ अपने की, कुछ ना कुछ मुझे करना ही है, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैंने बहुत टाइम पहले गुड वाइब्स के जो सीट मास्क लॉन्च हुए थे, तब मैंने 4 सीट मास्क मंगवाए हुए थे, लेकिन कभी यूज नहीं किए, सिर्फ वो रखे हुए थे। लेकिन आज मेरे मन में ना कारिस्तानी चल रही है कि हाँ भी मुझे कुछ करना है, तो बैठी बैठी हुई थी, तो मैं जो है सीट मास्क यूज करने लगी। मुझे लगा कि इसे लगा के देखना चाहिए, इसमें इतना ज्यादा सिरम था ना भाई, बहुत अच्छा सिरम था। और दूसरी चीजें भी आप फेस पे लगाते हो ना, बहुत ठंडा ठंडा सा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है, मुझे बड़ा पसंद आया। ये मैंने जो है लेमन वाला यूज़ किया है, स्किन वाइटनिंग का था वो, तो मैंने जो है फर्स्ट टाइम सीट मास्क यूज़ किया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि हमारी स्किन पे ना इतना ज़्यादा सिरम लग जाता है, काफ़ी अच्छे से हमारी स्किन उसे अब्जॉर्व करती है और फिर ग्लो तो देखो आता ही है। तो इसे जो है क्या करना है, इसे बस निकालना है, 15 मिनट जो है इसे अपने फेस पे लगा के रख लेना है, 15 मिनट के बाद इसे हटा देना है। और पन्नी में भी ना जो उसका रैपर था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सिरम था, तो वो मैंने अपने हाथ पे लगा लिया है और इसे 15 मिनट के लगा के छोड़ दूंगी। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को डरा रही थी तो 15 मिनट जो है हो गए हैं, मैंने इसे हटा लिया है, उसके बाद भी इसमें काफी ज्यादा सिरम था, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा मैंने नहीं रखा, क्योंकि वो 15 मिनट ही लिखा हुआ था उसमें। तो उसके बाद जब मैं फेस पे अच्छे से मसाज कर रही हूँ, लेकिन अपने फेस को धोऊंगी नहीं क्योंकि इस पे इतना सारा सिरम लगा हुआ है, तो स्किन जो है अपने आप ही अब्सॉर्ब कर लेगी उसे। खाने में बना है मक्का की रोटी, सरसों का साग, छाए, और ये है मक्का की रोटी, मुझे बड़ी पसंद आती है मक्का की रोटी, आप लोग भी खा लीजिए सरसों का साग और मक्का की रोटी, क्योंकि अब ना साग का सीज़न जाने वाला है, यही सीज़न है, कुछ दिन का और है ये साग वाग खाना, उसके बाद तो बस नहीं, अच्छे भी नहीं लगते हैं फिर जब तब, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो अभी जो है रात के 11:30 बज रहे हैं, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट मैं अभी पढ़ रही थी, इसमें आ रहा था अंशु अपनी ड्रेस दिखाना, आंटी की साड़ी दिखाना, सब कुछ दिखाना, ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम सा नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से नहीं हो रहा है। और अभी जो है मेरी आँखें ना बड़ी थक सी रही हैं, क्योंकि अच्छे से नींद नहीं ली जा रही, तो इसी वजह से तो मैं जो है अब सोने के लिए जा रही थी, और फेस पे देखो काफ़ी ग्लो आ रहा है ना, मुझे ही लग रहा है यार। आज मैंने काजल लगा ली, तो कैसे हो रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है काजल मेरी आंखों में अच्छा नहीं लगता, एक का खत्म हो गया एक का रह गया है ना फेस पे काफी चमक आ रही है गालों पे, इतना मेकअप वेकअप, मतलब मैंने आज वो भी किया था, मैंने पहली बार लगाया है फेस मास्क, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि स्किन में ना इतना सारा सिरम जाता है, वो बहुत अच्छा लग रहा था।
तो मैं अब अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरी बकबक तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है, चलती ही रहती है। आई होप ये छोटी सी वीडियो होगी आप लोग को पसंद आई होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं काम वाम में ऐसे ही हो जाता है। तो मैं इस वीडियो के, और हाँ मैंने देखो ये मेरा नोस्पिन देखा, आप लोगों ने मेरा नोस्पिन चेंज कर दिया आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। अब बता देना कैसा लगा, क्योंकि वो जो पहले मैंने खरीदा था वो इतना पसंद नहीं आया था आप लोगों को। आप लोगों ने भी बोला था कि अंशु वो अच्छा नहीं लग रहा है आपके फेस पे, गोल ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने जो है ये गोल में लिया है, लेकिन अब बिल्कुल ही तार सा लिया है, मतलब ज्यादा वो वाला डिजाइन वाला नहीं लिया है। जब मैं उस दिन अपने शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, तब मैंने ये भी लिया था, ये गोल्ड का है, काफी ज्यादा सुंदर और प्यारा सा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पे ना 3 नोज़ पिन हो गए हैं, जब जब जो मन करेगा उसे पहन लूंगी। ये मुझे अच्छा लग, ये ना अच्छा लग रहा है मुझे तो। अब आप लोग इसे तो जरूर बता देना कैसा लग रहा है, क्योंकि पहले वाला जो मैंने दिवाली पे पहना था वो नोज़ पिन आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं आया था। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं कल को, शादी वाला दिन बहुत बिजी होने वाला है, तो अगर मैं कमेंट कर रिप्लाई ना कर पाऊँ तो समझ जाना मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, आप लाइक नहीं करते हो। ठीक है, बाय बाय।